हेलो दोस्तों, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, जिससे क्वेश्चन आपको जीआरएफ में भी आता है और हो सकता है एग्रीकल्चर टीचर क्लासेस में यहाँ से क्वेश्चन आ सके। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए, बीच में आप छोड़कर ना जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग क्या होता है? रॉक्स के टूटने या फिर उसके धीरे से सॉइल बनने के प्रोसेस को अपन वेदरिंग कहते हैं, क्योंकि वेदरिंग के बाद ही सॉइल बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वेदरिंग को हम समझेंगे कितने तरीके से होते हैं वेदरिंग और क्या क्या वेदरिंग के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो वेदरिंग मेनली तीन तरीके से होता है दोस्तों। पहला तो है आपका फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है आपका केमिकल वेदरिंग और तीसरा आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, अपन एक एक करके देखते हैं फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है। फिजिकल वेदरिंग में जो है एक दो ऐसे पांच फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, है ना, पांच से छह फैक्टर इनमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का कैसे इन्वॉल्व होता है, हम सब ने पहले भी पढ़ा है कि टेम्परेचर जो है रॉक्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, किस तरह हेल्प करता है टेम्परेचर जो है चट्टानों में, रॉक्स में, दो तरह के इफेक्ट डालता है। एक तो पीलिंग इफेक्ट डालता है, दूसरा होता है थर्मल इफेक्ट डालता है। ठीक है, पीलिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब चट्टान को टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो वो क्या होता है कि उसका फैलाव होता है। ठीक है, वो फैलता है और धीरे से टूटता है। ठीक है, वो होता है पीलिंग इफेक्ट। दूसरा है थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर उसको पहले मिला, फिर उसके बाद कम टेम्परेचर मिला, तो कभी ज़्यादा कभी कम अल्टरनेट जो है टेम्परेचर मिलता है, तो उसको अपन डिफरेंट थर्मल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसके वजह से आपका चट्टान जो है टूट करके बनता है। उसके बाद है वाटर। वाटर का कैसे इन्वॉल्व हुआ, वाटर में दो तरीके से होता है। पहला तो फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये दो तरीके से वाटर का इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तीसरा है वाटर में ही तीसरा इफेक्ट है आइस फ्रीजिंग। मतलब रॉक क्या होता है, रॉक के आइट साइड अगर जैसे पानी हुआ है ना, तो वो क्या होगा, रॉक के साथ में वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, और जमने के बाद में वो क्या होगा, फिर जैसे ही उसको टेम्परेचर मिला वो फिर से पिघल जाएगा। तो अपने साथ साथ जो है चट्टाने के कुछ अंश, कुछ उसके टुकड़े को लेकर जाएगा और वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जमने का पॉइंट है, वो कितना होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो याद रखिएगा। अब हम देखते हैं जो फिजिकल इफेक्ट है उसमें और क्या क्या है। एयर, अगर एयर जो है काफ़ी तेज़ी से एयर जब चलता है तो हमको पता है चट्टानों को गिरा भी देता है, क्योंकि एयर में भी काफ़ी पावर होता है, इसलिए वो गिरा करके उसको तोड़ देता है और वो बिखर जाता है ना, जिससे कि रॉक जो है वेदरिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अर्थक्वेक, तो जब भूकंप आता है तब भी यही इफेक्ट होता है। भूकंप आने से रॉक जो है टूटते हैं और टूटने के बाद में वो धीरे धीरे क्या होता है, रॉक्स के वेदरिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रॉस्ट, पाला का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वेदरिंग में रॉक्स के, क्योंकि रॉक्स में पाला पड़ा तो वही जैसे मैंने बताया फ्रीजिंग इफेक्ट वही आता है, तो फ्रॉस्ट का भी आपका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है अदर इफेक्ट। अगर देखा जाए तो अदर इफेक्ट में कई सारे क्लाइमेटिक इफेक्ट आते हैं, इन्वायरमेंट इफेक्ट आते हैं, जिससे कि रॉक्स क्या 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 होता है, वेदरिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है आपको कि केमिकल वेदरिंग में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो मेथड है वेदरिंग का वो क्या है, तो उसका मेथड है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस जो मेथड है वो वेदरिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड आता है आपका हाइड्रेशन। ठीक है, तीसरा ऑक्सीडेशन, चौथा रिडक्शन और पांचवा कार्बोनेशन। ठीक है, तो ये जो केमिकल वेदरिंग है इसके फॉर्मूले भी हैं, कैसे वेदरिंग हो रहा है, कैसे आयरन ऑक्साइड से F3 बन रहा है, या फिर हाइड्रोलिसिस में कैसे H2O जुड़ करके कैसे वो क्या बना रहा है, क्या CaSO4 बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखते जाना है और इसका जो फार्मूला आपको देखना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके फार्मूले बताऊंगा। अभी तो आउटलाइन बता रहा हूँ कि मैं आपको वेदरिंग किस तरह के होते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं अपन बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में पहला है वेजिटेशन, दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और तीसरा है ह्यूमन।
बायोलॉजिकल वेदरिंग तीन ही होते हैं मेनली। तो सबसे पहले वेजिटेशन समझते हैं। वेजिटेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी चट्टान पर वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है या फिर कोई प्लांट उग गया, ठीक है, जैसे ही वो प्लांट उगा तो उसके रूट में क्या होता है कि कुछ एसिडिक इफेक्ट आता है, ठीक है, एसिडिक केमिकल रिलीज होता है जिससे वो चट्टानों में पड़ता है और चट्टान जो है वो टूटता है, धीरे धीरे बिखरता है, तो वो होता है वेजिटेशन इफेक्ट, ठीक है। और भी वेजिटेशन है, हम जानते हैं कि जब रॉक्स में या किसी पत्थर में किसी प्लांट का ग्रो हो जाता है, है ना, ये हो जाता है जनरली, अगर उसको मिट्टी का थोड़ा बहुत स्पर्श मिला तो वो हो जाता है, जैसे फिर वो क्या होता है अपना रूट ग्रोथ करेगा तो चट्टान धीरे धीरे फटते जाता है और धीरे धीरे उसके टुकड़े वेदरिंग होते जाते हैं, ठीक है। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे अगर माइस की बात की जाए, माउस की, तो माउस जो होता है वो अपना चट्टानों में या पत्थर में या मिट्टी में अपना क्या बनाता है, घर बना लेता है, और घर बनाने से वो धीरे धीरे क्या होता है ऐसे ऐसे होल करते जाता है और वो चट्टानों का वेदरिंग होता है। और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, मैं तो एक आपको एग्जाम्पल बताया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। तो तीसरा हम देखते हैं अब ह्यूमन की एक्टिविटी से भी वेदरिंग होता है रॉक्स का। जैसे हम माइनिंग की तरफ जाए, माइनिंग के फील्ड में क्या होता है कि जब अपने को कोई कोयला चाहिए या आयरन का पत्थर चाहिए तो हम क्या करते हैं कि उस बड़े बड़े चट्टानों को ब्लास्टिंग के द्वारा उसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली चट्टान टूट गया, टूटने के बाद उसके जो कण हैं वो बिखर जाते हैं सॉइल में और वो क्या बनाते हैं आपके चट्टान को वेदरिंग करके सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है वेदरिंग ऑफ रॉक्स के, तीन तरीके से होता है और क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं। मैंने बायोलॉजिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग को मैंने आपको अच्छे से समझा चुका है, नेक्स्ट हम केमिकल वेदरिंग के बारे में बात करेंगे। तो डोंट लॉस्ट योर टाइम, लर्न एंड टीच विद अस।